गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, पार्ट वन क्लास 7 हिंदी में जागरण गीत जिसका शीर्षक है, हम लोग आज उसी पाठ को पढ़ेंगे जिसके लेखक सोहन लाल द्विवेदी जी, जो कि गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत रहते थे, उन्हीं के द्वारा लिखित यह कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने, जैसा कि इसके शीर्षक से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है, जागरण गीत जो इसका शीर्षक दिए हैं, शीर्षक से ही हम लोग समझ सकते हैं कि कवि ने अपने कविताओं के माध्यम से जागरण करने का काम इस पाठ के जरिए किया है। इसी को हम लोगों को ढंग से समझना है और आगे की ओर ध्यान दे करके बच्चों तुम लोगों को सुन करके समझना है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कभी इन चार लाइन की पंक्तियों से हम लोगों को यह कहने का काम कर रहे हैं कि अब हम सभी समाज के लोगों को सोने न देंगे का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि आलस नहीं करने देंगे और गीत गा करके आपको जगा करके अतल अस्ताचल, यानी कि जहाँ से सूरज भगवान अस्त होते हैं, यानी कि आपको अपने मेहनत के मजदूरी के क्षेत्र में अस्त नहीं होने दूंगा, आलस नहीं करने दूंगा, आपको अरुण उदयाचल सुबह की लाली जैसे ही होती है, उदयाचल होता है, सूरज भगवान उगने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार के समाज में रहने वाले सभी लोग उठिए चलिए और अपने नए कार्यों से पूरे समाज को और अपने आप को आगे बढ़ाइए। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। कल्पना में ज़्यादातर लोग मेहनत की बजाय कल्पनाओं की उड़ान ज़्यादा भरते हैं, खास करके बच्चे भी, तुम लोग भी पढ़ाई कम करोगे, सोचोगे कि हम भी फर्स्टे आ जाए, यही कल्पना है। तो कल्पना की उड़ान में नहीं उड़ना है, मेहनत की उड़ान में आइए और मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आज तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। अब तुम्हें मैं हवाई सपना नहीं देखने दूंगा, आकाश में उड़ने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। उठो जगो और अपने कार्य में लगो। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। यह सच्चाई नहीं है, यह सही सुख नहीं है। सुख बिना मेहनत के नहीं आती है और कल्पना में तो खास करके और नहीं आती है। सपना देखने से कभी सुख नहीं आता है और मेहनत करना कभी बेकार नहीं जाता है, भार पड़ता है और उसी भार को सह करके जब आप मेहनत कीजिएगा, जब आप परिश्रम कीजिएगा तो आगे की ओर ऑटोमेटिक बढ़िएगा। ऐसा कवि अपने कविताओं के माध्यम से आपको समझाने का, जागरण करने का काम कर रहे हैं। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। जिस परिश्रम को, जिस मेहनत को, जिस मजदूरी को एक बच्चा, एक किसान, एक मजदूर या जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जिसको कांटा समझते हैं, परिश्रम करने को कांटा समझते हैं, दुख बीतता है क्योंकि परिश्रम में मेहनत लगता है, उसको कभी दुख नहीं मानना है, उसको कभी कांटा नहीं मानना है, उसको फूल के समान चुम करके आगे की ओर बढ़ना है और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, सूल को जो सूल समझे भूल है यह, मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कम, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूं। फूल को भी, सुख को भी,
जो अकारण सुख समझ बैठे वह सुख नहीं है, दुख को भी बिना काटे ऐसे ही उससे कोई घबरा जाए यह कांटा नहीं है। इसके मूल में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, आपका मेहनत है, आपका मजदूरी है, आपके द्वारा किया गया परिश्रम है, और यही सब मानवीय भूलों को कवि अपने कविता के माध्यम से माथे पर पड़ी वैसे भूलों को जो कि धूल के समान सिर पे पड़ा हुआ है, दिमाग पर पड़ा हुआ है, इन सारी आलस्यों को हटाने का काम करने आ रहे हैं आपको अपने जागरण गीत के माध्यम से। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। जब भी कभी जीवन में कोई कठिन कार्य लगे, जब भी ऐसा लगे कि इस कार्य में बहुत ज़्यादा मेहनत है, कभी घबराना नहीं है, उसको एकदम शांति से, सुखी मन से, प्यार से जीवन के हर एक सागर को अपने हाथ में पतवार लेकर के, अपने हाथ से मजदूरी करके उस सागर को पार कर जाना है, और पार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, अपने मन में आए हुए सभी प्रकार के बंधनों को, भूलों को हटाइए, और सभी प्रकार की संकीर्णताओं को दूर कीजिए, क्योंकि संकीर्ण विचार रख करके कभी आप जीवन में आगे की ओर नहीं बढ़ सकते और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार आगे कवि कह रहे हैं अपने कविता के माध्यम से, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। बिंदु फुल स्टॉप जिसको आप लोग कहते हैं अपने भाषा में, खास करके इंग्लिश मीडियम में, ठहरना नहीं है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारी बातें जितना कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, सारी बाधाओं को, सारी संकीर्णताओं को, सारी भूलों को हटा करके आगे की ओर निरंतर बढ़ते चलना है, और तब जा करके आप इस सिंधु को पार करके अपने जीवन में नया इतिहास रचिएगा, नया डिग्री प्राप्त कीजिएगा और आगे की ओर बढ़िएगा। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। जब आप उठिएगा, ठीक आपके पीछे और नए नए बच्चे भी उठेंगे। क्लास का जो बच्चा तेज होता है, परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, आप लोग मिलाते होंगे, जो समझदार बच्चे हैं जिनको जीवन में कुछ करना है, आगे की ओर बढ़ना है, अपने और अपने समाज का कल्याण करना है, वे अच्छे बच्चों का नकल करके उनके पीछे, उनके बनाए गए रास्तों पर, बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों के रास्तों पर, इंजीनियरों के रास्ते पर, डॉक्टर साहब के रास्ते पर, कैसे उन्होंने अपना डिग्री लिया, किस प्रकार की मेहनत करके, मजदूरी करके, ठीक उसी प्रकार से आपके पीछे भी लोग लगेंगे, और आप अपने को कभी अकेला मत समझिए, आप आगे बढ़िए, आपके पीछे यह जग भी आपके पीछे चलेगा, और कभी भी विपत हो करके रास्ते में आए हुई संकटों को ये सोच करके कह रहे राम राम, ये तो बड़ी कंकड़ीला रास्ता है, इसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, इस चीज को याद करने में तो 4 घंटा लग जा रहा है, इस क्वेश्चन को हल करने में तो 1.5 घंटा लग जाता है, इस शब्द का तो शब्दार्थ नहीं बुझा रहा है। छिपिए मत, डरिए मत, मैं आप लोगों को हर समय ये चीज समझाता हूँ, पाठ से भी अलग हट करके, कि बच्चों एक चीज मन में ठान लेना, जिस विषय में तुमको जहाँ ज्यादा दिक्कत बुझाए, सारा काम छोड़ करके पहले उसको हल करने पर लग जाओ, और जब ये तुम्हारी आदत बन जाएगी तो तुम्हें, तुम्हारे अंदर हर एक प्रकार की जितनी संकीर्णताएं हैं, डर है, वो सब हेजिटेशन है, खत्म हो जाएगा, और तुम नित नया आगे अपने कदमों पर बढ़ते चले जाओगे।
इसलिए डर हटा देना है मन से कि परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो भैया सबसे पहले आलस छोड़ करके आपको अपने कार्यों में ईमानदारी पूर्वक लगना पड़ेगा। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुमको बनाने आ रहा हूं। बहुत ही सुंदर वाक्य है, कवि ने अपने वाक्यों के माध्यम से बहुत ढंग से समझाने का काम किया है आपको कि आप कभी किसी की दासता नहीं करें। दासता मीन किसी के नीचे यूं मत पड़े रहिए कि जब आप ही हमको आगे बढ़ाइएगा तो हम बढ़ेंगे। नहीं, तुम खुद आगे बढ़ो, रास्ते में आए हुए कंकड़ों को, पत्थरों को, कांटों को दूर करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। जितने भी महान लोग इस धरती पर पूरे विश्व में हुए हैं, उन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया है, ना कि किसी के दया पर। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़िए। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि भगवान की वंदना सालों भर मत पढ़िए, रोज शंकर जी के मंदिर में जा करके, मस्जिद में जा करके, गुरुद्वारा में जा करके जल चढ़ाइए, अगरबत्ती दिखाइए, धूप दिखलाइए, पास कर जाइएगा का। कोई भगवान आकर के आपके कॉपी पर नहीं लिखने जा रहे हैं और ना आपको पास कराने जा रहे हैं। हाँ, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसी में थोड़ा ईश्वर का भी आशीर्वाद आ जाता है। ये हम शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, बुक इसका अलाउ नहीं कर रहा है। हम हिंदू शास्त्रों के आधार पर जो हम लोग सुने हैं बचपन से, उसके आधार पर ये लाइन बोल रहा हूँ। तो कभी ईश्वर वंदनीय से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि आप खुद वंदनीय बन जाइए और लोग आपकी प्रेरणा लें। तो उसके मूल में, उसके जड़ में बच्चों यही छिपा हुआ है कि आप जितना ही कठोर तपस्या, जितना ही कठोर मेहनत, जितना ही अपने रास्ते में आए हुए सभी प्रकार की गंदगियों को, संकीर्णताओं को, आलस्य को त्यागिएगा, उतना ही महान बनिएगा और खुद वंदनीय बन जाइएगा। कवि ने इस कविता के माध्यम से हम लोगों को अपना आलस त्याग करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जिसका जो कर्म क्षेत्र है, बच्चा का काम है पढ़ाई करना, टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है स्वास्थ्य संबंधी सेवा देना, इसी प्रकार से लाखों कार्य हैं धरती पर। अलग अलग समाज में रहने वाले लोग अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं, तो उनको कभी भी अपने काम में, मूल कविता में यही समझाना चाह रहे हैं कवि कि कभी भी वह अपने काम में आलस्य नहीं करें, डरे नहीं, रास्ते में आए हुए हर प्रकार की बाधाओं को तोड़ करके वह आगे बढ़ें और अपना और अपने साथ एक व्यक्ति के विकास करने से बचो, यह जान लीजिए कि उसका परिवार, परिवार के साथ समाज और समाज के साथ पूरे देश का विकास होता है। तो आलस त्यागिए और अपना परिश्रम, जहाँ भी जिस क्षेत्र में है परिश्रम कीजिए, यही इस कविता का मूल भाव है। धन्यवाद। आगे इसका क्वेश्चन आंसर अगले दिन कराएंगे। कुछ शब्दार्थ लिख दिए हैं, यहाँ तो दो चार कम ही है शब्दार्थ, लेकिन पाठ में आए हुए सारी शब्दार्थों को, मुहावरों को, कठिन शब्दों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि क्लास के दरमियान होता था। ये नहीं कि बैठ जाना है, अभी तो बहुत टाइम मिल रहा है, समय का सदुपयोग कीजिए। और जितना मैं पहले आप लोगों को जिस ढंग से पढ़ाता था, जो वर्क कराता था, उसी टाइप से वर्क कीजिए। पाठ में देखिए यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, जो कि पहले मैं आप लोगों को करवाता था, उस टाइप से आप लोग चित्र भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें 5-6 चित्र है, तो 2-2 चित्र कम से कम जरूर बनाइएगा। जैसे कि सागर में नाव खेता हुआ इंसान, यहाँ पे ये सागर की उठती हुई लहरें हैं, यहाँ पे नीचे किसान और मजदूर का फोटो है। इन सारी चित्रों में से 2 चित्रों को जरूर आप बनाने का काम कीजिएगा, जिसके पीछे मेरा मेथड वही है। आपका ड्राइंग भी सुधरेगा, आप कुछ नया कला भी जानेंगे और पाठ के बारे में समझने में भी आपको इससे मदद मिलेगी।
अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। धन्यवाद।